नमस्कार, बिजनेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे आज के बाजार के साथ। बंबई शेयर बाजार के सूचकांक में लगातार दूसरे दिन नरमी का रुझान बरकरार रहा और निर्यात में गिरावट के बीच निवेशकों द्वारा सतत बिकवाली के मद्देनजर बुधवार को 70 अंक से अधिक टूटा। एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुझान के अलावा कारोबारियों के अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ताजा नीतिगत बैठक के निष्कर्ष के इंतजार से भी यहां कारोबारी रुझान प्रभावित हुआ। सेंसेक्स 70.14 अंक की गिरावट के साथ 24,481.03 पर चल रहा था। सूचकांक में पिछले सत्र में 253.11 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। एनएससी निफ्टी 13.55 अंक प्रतिशत टूटा था और 7,447.05 पर आ गया। बैंकों में खुले बचत खातों में अब ब्याज छमाही की जगह तिमाही आधार पर डाला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी और निजी बैंकों को यह हिदायत दी है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश से करोड़ बचत खाता धारक लाभान्वित होंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वह बचत खातों में प्रत्येक तिमाही या इससे भी कम अवधि में ब्याज का भुगतान करे। अभी बैंकों के बचत खातों में हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान होता है। ये बात अलग है कि 1 अप्रैल 2010 से बचत खातों में प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को लेकर सख्त है। मिनिस्ट्री के रडार पर 1,000 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें 2 या अधिक सेल से मिलाकर बनाया गया है। जांच में ये दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। मिनिस्ट्री ने लेकर जल्द ही बैन की नई लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। अभी भारतीय फार्मा मार्केट में 1,000 दवाइयों का अनुमानित कारोबार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें एक बार फिर 29,000 रुपए के नीचे फिसल गई हैं। ग्लोबल इक्विटी बाजार में सुधार और निवेश मांग घटने से सोने की कीमतों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। सोना घरेलू बाजार में 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। फेड बैठक शुरू हो चुकी है और अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो सोने में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें आगे सोने में गिरावट का संकेत माना जा रहा है। लिकर किंग विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की नजर एक विदेशी ट्रस्ट पर पड़ी है। इस ट्रस्ट को माल्या के पिता विठल माल्या ने 1982 में बनाया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि गोल्डन ईगल ट्रस्ट का मुख्यालय आइल ऑफ मैन में है, जो एक टैक्स हेवन है। अधिकारियों का कहना है कि भारत से बाहर भेजी गई और खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में कई डील्स में इस्तेमाल हुई रकम का बड़ा हिस्सा इस ट्रस्ट में आने का शक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबर हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं।